नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है नीट 2019 के काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आप में से सभी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर mcc.nic.in, और रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग भी आप सभी ने लगभग कर लिया होगा। अब चॉइस फिलिंग के बाद एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आता है सेव, और दूसरा ऑप्शन आता है लॉकिंग। उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम हो रही है कि वह लॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो यह इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो ध्यान रखिए, चॉइस फिलिंग के बाद जो है आपको पहले सेव का बटन दबाना है। चॉइस फिलिंग के बाजू में एक ऑप्शन होगा सेव एंड कंटिन्यू, तो आपको पहले सेव कर देना है आपके चॉइस फिलिंग को, और फिर लॉकिंग का ऑप्शन बाद में आएगा। ध्यान रखिए, एक बार आप लॉक कर देते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, आप चॉइस को एडिट नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है एमसीसी ने अभी तक बैन कर दिया है कि कोई भी स्टूडेंट लॉक ना कर पाए, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग के बाद लॉक कर दिया था गलती से, और उसमें वह कोई चेंजेस नहीं कर पाए थे। मोस्ट लाइकली लॉकिंग का जो ऑप्शन है वह कल तक टेम्प्ररी अनअवेलेबल था, जो आज अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि आज जो है 24 जून 2019 है, लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की। तो आज सभी स्टूडेंट लॉकिंग कर पाएंगे। ध्यान रखिए, अगर आप लॉक नहीं करते हो और फिर भी आपने सेव कर रखा है, तो जैसे ही लास्ट डेट एक्सपायर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप सब सेव चॉइस जो है वो लॉक हो जाएगा, आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सेव कर देना है। तो यह इम्पॉर्टेंट डिटेल मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। चॉइस फिलिंग करें, फिर सेव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वह आपका लॉक हो जाएगा। वैसे भी आज 24 जून है, आज आपको लॉकिंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो, तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।